हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। एशियन गेम्स का 10वां दिन एंड एक और बहुत बढ़िया वाला, बहुत ही सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट करने वाला दिन। हमारे टोटल 9 मेडल आया, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। एंड ओवरऑल मेडल्स के अलावा भी जो परफॉर्मेंसेज निकल कर आई ना, वो देखने में बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई देख देख के कि यार कई लोगों ने मेडल अश्योर किए, कई लोगों ने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए मेडल जीतने में ही। तो ये सब देखने में, अगेन ये पूरा कैंपेन बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी वाला कैंपेन रहा है, एक अच्छा इम्प्रूवमेंट ग्रोथ वाला कैंपेन रहा है। अभी तक ऑलरेडी हमने कल जैसे बात की थी 60 मेडल हो गए थे, आज के 9 मेडल के बाद 69 मेडल हो गए हैं ऑलरेडी भारत के। एंड सिर्फ एक पीछे रह गए हम 2018 की टैली से, अपनी अच्छे से पार करेंगे उसको। तो 100 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी, पर किसी तरह पहुंच गए तो संभव, पता नहीं मैजिक। पर उसके अलावा अच्छा वाला टैली आने का, सारे रिकॉर्ड तोड़ देने की पूरी तैयारी है। पहले नजर डालते हैं मेडल्स। पहला मेडल आया कनोइंग में, एंड कनोइंग में सिर्फ आज तक का हिस्ट्री में भारत की दूसरा मेडल आया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन वाली चीज है। ये मेडल आया मेंस डबल्स 1000 मीटर कनोइंग में, जो जीता अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने। जब ऐसी वाली चीजें होती है ना, जब आप हिस्ट्री में सिर्फ दूसरा मेडल एक डिसिप्लिन में जीत रहे हो, तो आपको समझ आता है कि देश सही राइट ट्रैक पे है। कई कई डिसिप्लिन में एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं एथलीट्स को, एंड आई होप बाकी सब डिसिप्लिन में भी यही हो। अगला मेडल भी आया बॉक्सिंग में ही, प्रीति पवार का, जो सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली चाइनीज ओपोनेंट से हार गई। बहुत ही ज्यादा क्लोजली कंटेस्टेड बाउट था ये, पर हार गई वो सेमीफाइनल में, और उन्हें ब्रॉन्ज से ही सेटिस्फाई रहना पड़ेगा अभी के लिए। बट इन्होंने जो पोटेंशियल दिखाया पूरे में, इस पूरे टूर्नामेंट में, आगे आने वाले टाइम के लिए बॉक्सिंग में इनका एक अच्छा करियर पाथ बन सकता है अगर ऐसे ही खेलते रहे। फिर आया एक और ब्रॉन्ज, बहुत बढ़िया मेडल आया है, बहुत बढ़िया बात है, विमेन्स 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज का। थोड़ी सी सैडनेस है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस मार रही थी, जिस तरह का पोटेंशियल दिख रहा था ना, वो अचीव नहीं हो पाया। ब्रॉन्ज से ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बट आई विल नेवर एवर से कि ब्रॉन्ज आया तो अरे क्या आया यार ऐसे क्यों। बहुत बढ़िया है, ब्रॉन्ज भी बहुत बढ़िया है, सिल्वर भी बहुत बढ़िया है, गोल्ड होता तो और बढ़िया होता। पर विद्या रामराज ने जो परफॉर्मेंस दिया है, कल उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बराबर किया था पीटी उषा जी का 39 साल पहले का, तो उसी में एक अच्छी चीज निकल कर आई है उनके लिए। एक सिल्वर मेडल उन्होंने टीम मिक्स्ड रिले में जीता, विमेन्स रिले में भी थोड़े से चांसेस हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद आया भारत का दिन का पहला गोल्ड, पारुल चौधरी, जिन्होंने आई एम श्योर सबको याद है कल 3000 मीटर विमेन्स स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता था, आज विमेन्स 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। दो दिन में दो इतने बढ़िया बढ़िया मेडल जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड सिल्वर और गोल्ड, इनका अभी तक का पूरा सीजन जो रहा है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी इन्होंने एक गोल्ड एक सिल्वर मारा था, रिवर्स था, वहां पे स्टीपल चेज में गोल्ड आया था और इसमें सिल्वर आया था, आज उल्टा हो गया, पर लेजेंडरी परफॉर्मेंस है ऑलरेडी। फिर आया सिल्वर एक मोहम्मद अफसल का 800 मीटर मेंस रेस में, काफी एक अच्छे पार्ट के लिए इस रेस में फाइनल में वो लीड कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली एक सऊदी अरेबियन एथलीट से वो सेकंड आए हैं, सिल्वर मेडल आया उनको। पर अगेन जो डिटर्मिनेशन दिखाया है उन्होंने, एंड में चांसेस थे बाकी सब भी आसपास आ जाते कहीं, पर उन्होंने बाकी किसी को अपने आसपास में आने दिया, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग डील। फिर मेंस ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज मेडल लाए प्रवीण चित्रवल, अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। भारत के एक और एथलीट थे फाइनल में, वो फिफ्थ आया अब्दुल्ला अबूबकर, उनसे भी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी, पर जो एक एथलेटिक्स का हमारा बढ़िया सॉलिड वाला रन रहा आज के पूरे दिन में, वो प्रवीण ने अच्छे से कंटिन्यू किया। इसके बाद आया मेंस डिकैथलॉन में तेज अश्विन शंकर का सिल्वर मेडल। आई एम श्योर आपको याद है कि डिकैथलॉन में कल वो पांच इवेंट के बाद लीड कर रहे थे रेस को, कुछ ऊपर नीचे हुई थोड़ी सी, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस, अगेन बाकी सब भी खेलने आए हैं, बाकी सब भी जीतने आए हैं, तो थोड़ा सा आगे निकल गए जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। पर ओवरऑल जो तेज अश्विन शंकर ने परफॉर्मेंस दिया है, ये कंसिडर करते हुए कि ये जो इवेंट है ये इन्होंने बहुत मतलब रिसेंटली ही पकड़ा है, और उसमें इतने बड़े स्टेज पर रिसेंटली खेलते हुए, रिसेंटली प्रैक्टिस करते हुए सिल्वर मेडल लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने ये करते हुए, दैट इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड फॉर श्योर। फिर आया दिन का दूसरा गोल्ड और दूसरा रिकॉर्ड। अभी तक हमने ये देखा है कि नीरज चोपड़ा ने अच्छा किया जैवलिन में अलग अलग इवेंट्स में, आज अनु रानी ने विमेन्स जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, पहली वुमन एथलीट बनी ये करने वाली। इससे पहले पारुल चौधरी आज जो 5000 मीटर गोल्ड जीती है, वो पहली वुमन एथलीट बनी 5000 मीटर में गोल्ड जीतने वाली। तो वुमेन पावर गोइंग स्ट्रॉन्ग, इसे कहते हैं रियल वुमेन एम्पावरमेंट, बट उस सब में बात नहीं आएंगे। अनु रानी ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया,
प्रॉपरली अच्छे से पूरे टाइम पे एक लीड बना के रखी, बढ़िया तसल्ली से उन्होंने परफॉर्म किया एंड जेन्युइन जेन्युइन खुशी वाली चीज। उसके बाद दिन का आखिरी मेडल जो आया नरेंद्र बेरवाल का बॉक्सिंग में मेंस 92 प्लस केजी कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल, सब सेमीफाइनल में हार गए अनफॉर्चुनेटली, एक ब्रॉन्ज से सेटिस्फाई रहना पड़ेगा अभी के लिए, बट अगेन जैसे पहले प्रीति पवार का था, जेन्युइन एक अच्छा पास दिख रहा है, अगर इसी पास पे कंटिन्यू करें हमारे बॉक्सर्स तो एक्चुअली कुछ हो सकता है डेफिनेटली आने वाले बड़े बड़े टूर्नामेंट। इसके अलावा और भी बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज आई, मेंस कॉम्पाउंड आर्चरी में इंडिया का इंडिया वर्सेस इंडिया फाइनल होने वाला है, अभिषेक वर्मा और ओजस देवताले पहुंच गए हैं फाइनल में मेंस कॉम्पाउंड आर्चरी के। तो एक जो डबल पोडियम फिनिश की मैंने कल के वीडियो में बात करी थी कि यार सिल्वर और ब्रॉन्ज आए अभी तक तीन, एक ऐसा भी आ जाए जो वन और टू हो जाए, गोल्ड और सिल्वर वाला हो जाए तो मजा आएगा, ये होने वाला है सैटरडे को है पंगी बाय द वे। इसके अलावा विमेन्स कॉम्पाउंड आर्चरी में ज्योति ने गोल्ड मेडल के लिए अपनी जो फाइनल वाली बाउट है वो तैयार कर ली है, फाइनल में उन्होंने एंट्री मान ली, और अदिति ने सेमीफाइनल मतलब ब्रॉन्ज मेडल वाला जो एक कॉम्पिटिशन है उसके लिए उन्होंने अपनी एंट्री मार ली है। तो ये दोनों अब फाइनल में और उसमें ब्रॉन्ज मेडल में इंडिया को और ज्यादा मेडल्स को टैली को ऐड करने की थोड़ी सी कोशिश। इसके अलावा हॉकी में हमारी विमेन्स टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई है, स्क्वॉश में हमारी दो मिक्स डबल्स टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में, उन्होंने मेडल अश्योर कर लिया है। सौरव घोषाल ने स्क्वॉश में सेमीफाइनल में एंट्री मार दी है मेंस इंडिविजुअल में, और उन्होंने लगातार पांचवा मेडल अश्योर किया है अपना, मॉडर्न डे लेजेंड ऑफ एनी स्पोर्ट। एंड क्रिकेट का आज मेंस क्रिकेट का पहला मैच हुआ, नेपाल को भारत ने हरा दिया, यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, हमने जो क्रिकेट वीडियोस किए रिसेंटली जिसमें जायसवाल मैचेस में खेले हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ भी हुई मैंने कि किस तरह से खेलते हैं वो, एंड आज वो बन गए हैं इंडिया के लिए सबसे यंगेस्ट T20I सेंचुरी मारने वाले प्लेयर, रिकॉर्ड टूट रहे हर जगह, मजा आ रहा है हर जगह। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी थी आर्चरी में जो रिकर्व में अतानु दास के साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई थी, धीरज के साथ जो एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई थी वो उस पर खरे नहीं उतरे, क्वार्टर फाइनल्स में हार गए अपने अपने मैचेस, वो उतना ज़्यादा सही नहीं था, थोड़ा टाइम से कुछ अतानु दास का ऊपर नीचे चल रहा मामला, उनसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी है, बट आई होप ही कम्स बैक स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल आज के दिन की अगर बात करूँ मैं तो ये सारा एक तो एथलेटिक्स का हमारा जो बोल वाला चल रहा ना मजा आ रहा है देख के, हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने के एक मेडल दूर रह गए दो मेडल तोड़ने के लिए, एंड हम लोग बहुत अच्छे से पॉइज्ड हैं एक बढ़िया बढ़िया टाली बनाने के एंड उसके ऊपर बिल्ड करने के लिए। तो मजा आ रहा है जेन्युइनली एज स्पोर्ट्स फैंस इस देश में रहते हुए, जो हमारी उम्मीदें होती है ना कि यार हमारे एथलीट्स को ढंग से सपोर्ट मिले और वो जाके बड़े बड़े स्टेजेस पे बड़े बड़े काम करें, आई रियली रियली होप कि इस यहाँ पे जो हो रहा है ये बस एक शुरुआत है आगे आने वाले ओलंपिक्स वगैरह के लिए, एंड अभी तो सेलिब्रेट करेंगे ही एंड उम्मीदें हमारी बढ़ गई है फॉर श्योर। आपको कैसा लगा आज का पूरा दिन नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, एंड क्या एक्सपेक्टेशन है कल के लिए, कल नीरज चोपड़ा भाई साहब एक्शन में होने वाले हैं तो कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो यार, ताकि यूट्यूब हमारा ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे इस वीडियो को, एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।